उत्तर प्रदेश के एक जनपद देवरिया के ग्राम कतरारी में समाज सेवी रितु शाही द्वारा किसान गोष्ठी एवं कंबल वितरण का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में रितु शाही ने जैविक खाद बनाने और मोटे अनाज पैदा करने तथा मोटे अनाज से लाभ के बारे में किसानों को बताया। रितु शाही ने लगभग 150 स्त्री व पुरुषों को कंबल का वितरण किया। इस मौसम में कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। खाद संरक्षण या बोले अनाज जो हमारे शरीर में जाता है उसी के अनाज से ही हमारे शरीर में जो ताकत आती है। कहावत है, एक जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो आप लोग को बता दे, अगर आप मोटा अनाज खाएंगे तो मोटी ताकत अच्छी बुद्धि अच्छा कर पाएंगे। और एक ये आपके अनाज के बारे में भैया ने बताया कि खाद को किस तरह तैयार करते हैं, अनाज को किस तरह किस रूप में तैयार करते हैं। पहले की हमारी माताएं बहनें इतनी मेहनत करती थी जिसका हम लोग 2% भी मेहनत नहीं कर पाते। पहले वो घर में अनाज चक्की से करती थी, एक तरह से उनका एक्सरसाइज भी होता था और अनाज शुद्ध का शुद्ध घर में प्राप्त होता था सबको। तो पहले के बच्चे लोग जो बड़े भी होते थे एक उम्र के साथ साथ एक अच्छी उम्र भी जी लेते थे और ताकत के साथ जीते थे, किसी पर बोझ नहीं बनते थे। उनके अंदर इतनी ताकत रहती थी कि माँ की शक्ति जब अनाज में जाती है कहते बच्चों में भी उतनी। किसान गोष्ठी का जो उद्देश्य है मोटे अनाज को लेकर के, वो हमारे गाय के गोबर द्वारा और इसको कैसे मोटे अनाज की कैसे उपज कैसे उगेगी और जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों के रोकथाम के लिए और जनता को स्वस्थ और हमारे जो बच्चे हो रहे हैं उनकी वृद्धि और दिमाग के विकास के लिए मोटे अनाज को हम लोग संगोष्ठी हर जगह कर रहे हैं।